नमस्ते साथियों, स्वागत है अपने चैनल एबीएम फिजिक्स पर। साथियों, मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मित्रों एलपीपी। साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग ग्राफ बोलते हैं। और साथियों, ये ग्राफ हमारे लिए 5 मार्क्स रखता है। और जो साथियों, ये फिक्स मार्क्स 5 मार्क्स है। और मित्रों, ये 5 मार्क्स जो है, ये जो ग्राफ जो है, हमारे एनसीईआरटी के 12.1 पर है। और मित्रों, जब आप एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को उठाएंगे तो ये चैप्टर नंबर 12.1 है, जहाँ से हमें साथियों 5 मार्क्स फिक्स मिलता है। तो आइए मित्रों, करते हैं आज 5 मार्क्स पर चर्चा। मित्रों, एक वैसी चर्चा होगी जहाँ से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, जहाँ कहीं भी आप ग्राफ पढ़ रहे होंगे, कहीं उनसे जो बेहद ज़्यादा डीपली और बेहद ज़्यादा नॉर्मली लगेगा। आइए मित्रों, कैसे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए करते बात। मित्रों, जैसे कि एनसीईआरटी के ये 5 नंबर प्रॉब्लम को मैंने सॉल्यूशन किया है, और 5 नंबर प्रॉब्लम में मित्रों लिखा हुआ है कि जेड की जो वैल्यू है, साथियों जेड की जो वैल्यू है, जो जेड की वैल्यू दी हुई है आपका 3x + 2y, जेड इज इक्वल टू 3x + 2y, और आपकी जो x + y <2y> 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 इसके बाद 3x + y <2y> 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 इसके बाद साथियों लिखा है x, y > 0। ध्यान में रखना थोड़ा सा, समझिए मित्रों, ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये पूछता है जेड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। तो मित्रों, आइए, जेड का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मतलब क्या, जेड का सबसे अधिक वैल्यू कहाँ पर निकलेगा। इसके लिए मित्रों, वो 2 इक्वेशन को लिखा हुआ है, ध्यान में रखना, जब भी इस टाइप का एक्स और वाई के जो सिंबल आए, ये ग्रेटर देन रहे या लेस देन रहे, इसके बारे में आप जरा भी दिमाग नहीं लगाएंगे, जरा भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि साथियों इसी में बहुत सारे बच्चे होल्ड कर जाते हैं, इसी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, और ये फालतू का टेंशन है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और दिमाग तो लगाना है भैया इस तीनों पर। तो आइए मित्रों, कैसे बात करते हैं हम लोग। आइए मित्रों, इसमें जैसे ही लिखा हुआ है x + 2y, हमने यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू किया। जैसे कि गिवन जेड की वैल्यू हमारी दी हुई लिख दी, और इसको लिखते हैं साथियों रीजन रिप्रेजेंटेड बाय। ध्यान में रखना, केवल एक क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा मित्रों, और इसी पर आधारित इस एनसीईआरटी के और केजी सेना के सारे ग्राफ वाले प्रॉब्लम आपके मुट्ठी में हो जाएंगे मित्रों। इसलिए आप निश्चित पूर्वक गौर पूर्वक देखेंगे केवल एक प्रॉब्लम को, बाकी सारे प्रॉब्लम आपको आधारित इसी पर है। आइए मित्रों, कैसे, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने लिख दिया इस रीजन को x + 2y, इसके बाद साथियों <<= 10>, इसके बाद साथियों ये पहला नंबर हो गया। दूसरी बात, इक्वेटिंग बोथ साइड, मतलब क्या, इसको हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग का मतलब दोनों साइड्स को बराबर करेंगे, तो x + 2y = 10, मैंने इसी को बराबर कर दिया, इसको पहला इसको दूसरा मान लिया। और फिर से यहाँ पर बराबर करने के बाद, हमने जैसे ही 10th में पढ़ के आया था उसी प्रॉब्लम को मैं बना लूँ, कैसे, तो हम यहाँ पर एक बार x की वैल्यू को 0 और एक बार y की वैल्यू को 0 किए, इसका मतलब कैसे भैया, इस इक्वेशन के अंदर जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है x + 2y = 10, और ध्यान में रखना जब x की वैल्यू को आप एक बार 0 करोगे तो +2y = 10, और y की वैल्यू कितनी, तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, 10y = 5, मतलब क्या, जब x की वैल्यू को आप 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी, 5, और फिर से एक बार y को 0 करना, आना y को 0 करेंगे तो x + 2 = 0 = 10, और x = कितना, तो ये खत्म हो गया सिस्टम, इसका मतलब कितना, 10। और कह सकते हैं कि y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी, 10। और हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गया इस कारण कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, और इसके बाद x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। मित्रों, आइए फिर से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर से मैं उस चीज को दोहराता हूँ। आइए साथियों, सेम इसी चीज को मैं दूसरे वाला इक्वेशन, आपने पहले वाला को सॉल्व किया है और दूसरे वाला को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका मतलब दूसरे वाला को सॉल्व करने के लिए एक लाइन फिर से एक बार इसलिए झाड़ना पड़ेगा, क्या झाड़ना पड़ेगा, तो रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब क्या कि वैसे क्षेत्र है जिसको ये कवरेज एरिया, इसी कवरेज एरिया को हम दिखा रहे हैं कि रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, इस रीजन को, इस क्षेत्र को दिखा रहे हैं, कैसे, तो इस रीजन को दिखा रहे हैं x + 3x + y, इसके बाद <= 15, और मित्रों इसको मैंने फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड मान लिया। आइए फिर से उसी काम को मैं ऊपर से ही देखते जा रहा हूँ, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इसका मतलब क्या, इक्वेटिंग बोथ साइड, इसको इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, कैसे होगा, तो 3x + y = 15, और फिर से साथियों एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू को 0 करेंगे आप, इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर 3x + y = 15 के अंदर x की वैल्यू जब 0 करेंगे, मतलब क्या, x की वैल्यू को आप 0 करेंगे तो 3 × 0 और +y = 15, और कह सकते हैं ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितना, 15, इसका मतलब कह सकते हैं जब x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू 15, और फिर से मित्रों एक बार y की वैल्यू को 0 करवाने जाएंगे आप, जब y की वैल्यू 0 लेंगे इसके अंदर, मतलब क्या, 3x + y
3x plus y is equal to 50, और यहाँ पर इस बार मित्रों y की वैल्यू जीरो लेना है, मतलब क्या 3x को छोड़ते हैं और y को जीरो is equal to 50, और फिर से ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, और फिर से हमारे पास x is equal to 15 divided by 3 खत्म हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी 12। इस बार कह सकते हैं कि जब y की वैल्यू जब यहाँ पर हमने y की वैल्यू मैंने जब जीरो लेंगे तो x की वैल्यू 5, सॉरी यहाँ पर 3 5 15 होगा और हमारे पास हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी 0, मतलब क्या y की वैल्यू 0 लिए तो x की वैल्यू 5। और इसको साथियों पहले हम लोग लिखना होता है कि x, y, मतलब क्या पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। आइए मित्रों कंफ्यूज मत करना, यहाँ तक भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो जरा पेशेंस रखिए, मैं फिर से एक बार इस प्रॉब्लम को दूसरी तरह के प्रॉब्लम को बताऊंगा, आप जरा घबराना नहीं। आइए फिर से एक बार देखते हैं साथियों, यहाँ तक हमने 10वीं तक पढ़े हुए हैं और 10वीं तक यहाँ तक आसानी से पढ़े हुए हैं, अब डायरेक्ट हम लोग 12th में हैं और 12th में कैसे प्रॉब्लम होगी, यहाँ के बाद 12th का प्रॉब्लम आता है। मित्रों यहाँ के बाद हमको एक लाइन को समझना होगा, पहले यहाँ के बाद हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम आती है। आइए मित्रों पहले ग्राफ खींच के दिखाते हैं, 0.5 ध्यान में रखना, 10.0 पहले मैक्सिमम देख लेते हैं कितना तक है, कितना का गैपिंग लेना होगा, और 15 और यहाँ 5, इसका मतलब मैक्सिमम 15 तक है। तो आइए मित्रों हम लोग 5 का गैप लेके दिखाते हैं, इसका मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। फिर से ऊपर से बात करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 हो गया मित्रों, बात करते हैं हम आइए कैसे बात होगा हमारे साथ। यहाँ के बाद मित्रों ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0.5, मतलब x की वैल्यू 0 और जो 0 हो जाए उसके बारे में हमें भूल जाना होगा, इसका मतलब क्या x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, इसका मतलब साथियों x की वैल्यू ये x एक्सिस है y एक्सिस है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, और x को जब 0 हो गया मतलब x के बारे में भूल गए और y के बारे में याद किए, और y के बारे में कितना 5, तो कहां पर 5 यहां, इसका मतलब कितना 0.5। आ गया मित्रों फिर चाहिए 10.0, इसका मतलब कितना 10.0, और आपको बताया जब भी 0 लग जाए इसका मतलब क्या इसे खत्म कर दिया जाएगा, इसे इस दुश्मन को बचाया नहीं जाएगा, और डायरेक्टली साथियों दोस्त को बचा लिया जाएगा, दुश्मन को उड़ा दिया जाएगा, और इसका मतलब दोस्त के घर पहुंचेंगे हम लोग, दुश्मन के घर को नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब क्या ये हमारा दोस्त और एक्स हमारा दोस्त और वाई हमारा दुश्मन, ये दुश्मन के घर नहीं पहुंचेंगे, हम डायरेक्ट दोस्त के घर पहुंचेंगे, और दोस्त कहां पर, दोस्त हमारा 10 यहां पर, इसका मतलब घर इसके यहां पहुंच गया, और इसका मतलब हो गया मित्रों 10.0। ध्यान रखना जब भी 0 आ जाए उसे दुश्मन समझा जाएगा और दुश्मन के घर को नहीं पहुंचा जाएगा, मतलब दुश्मन को तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, और वैसे कंडीशन में मैंने इस दुश्मन को बर्बाद कर दिया, इसका मतलब दोस्त के घर पे ही पहुंच गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आइए मित्रों कैसे बात करेंगे, और इसके बाद मित्रों हम लोग इसको अपनी 10वीं वाली स्टाइल में इसको ग्राफ को ड्रॉ करवाएंगे। आइए दोनों को सटाएंगे, और सटाने के बाद साथियों स्ट्रेट लाइन करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा चूंकि थोड़ा सा हाथ से खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आइए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप केवल समझने का कोशिश करना क्योंकि स्ट्रेट नहीं हो पा रहा। आइए कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, आपने जो लाइन ड्रॉ करवाया था ना, ये किसका लाइन ड्रॉ करवाया था थोड़ा सा इसमें खोल गौर करना, आपने किसका ड्रॉ करवाया था, तो इसका 3 इसका बात कहते एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 की बात की थी हम लोग, इसका मतलब क्या एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 इस ग्राफ के ऊपर लिख देना, इस लाइन के ऊपर लिख देना एक्स प्लस, यहाँ से देखेंगे एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 आना मित्रों। फिर से एक बार ये हमारा बात हो गया, इसके बाद फिर दूसरे बार बात करते हैं, इसके बाद मैंने इसको खींच लिया था 0.5, 10.0, 0.5, 10.0 ड्रॉ करवा लिया, आइए दूसरा का ड्रॉ करवाते हैं आपके साथ, इसका मतलब कितना 0.15 और 5.0। मित्रों उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज मत करना, आना थोड़ा सा मेरे साथ बनना, आपको दिखा हुआ 0.15 और हमारे पास हो गया 0.15। और मित्रों आपको पहले से पता है हमें दोस्त के घर जाना है, दुश्मन को बर्बाद कर देना, और दुश्मन को मैंने बर्बाद कर दिया इसका मतलब दोस्त के घर पहुंचना, और आपको पता है पहले नंबर में x और दूसरे नंबर में y, इसका मतलब क्या दुश्मन को तबाह कर दी तो दोस्त के घर पहुंचना है, इसका मतलब क्या मित्रों इस दुश्मन को तबाह कर दी तो दोस्त के घर पहुंचना होगा, दोस्त के घर कहाँ तो 15 किलोमीटर दूर, इसका मतलब क्या यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा मित्रों, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.15, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 15। आइए मित्रों अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5.0 का आइए, और मित्रों आप देख रहे हैं 5.0 और आपको पहले से ही पता है कि 0 जहां होगा ये हमारा दुश्मन बन जाएगा और दुश्मन को तबाह करेंगे, दोस्त के घर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये हमारा x और ये हमारा y और हमको तो पहुंचना होगा दोस्त के घर, इसका मतलब क्या दोस्त तो हमारा नजदीक नहीं है, और 5 पढ़िए मित्रों हमारा बनता 5.0, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 और फिर से कहा 5.0, यहां तक तकलीफ नहीं होगा आपको। आइए मित्रों फिर से दोस्त और दुश्मन की घटनाओं को समझते हुए काम करते हैं, आइए
इस दोनों लाइंस को, इस दोनों पॉइंट्स को सताते हैं आपस में, और ऐसे करके मैंने ड्रॉ करवा दिया। जरा गौर से एक बार देख लेना मित्रों, जरा सा गौर से देख लेना, मैंने इसी दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करवा दिया। मित्रों यहां तक आप आसानी से कर लिए होते होंगे, यहां तक ओनली ओनली टेंथ की प्रॉब्लम है, केवल केवल दसवीं की प्रॉब्लम है। लेकिन मित्रों थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स ने थोड़ा सा इंक्लूड करवा दिया है कि इसके अंदर रीजन को दिखाने का मतलब, इलाका को दिखाने का मतलब क्या, बाउंड्री लाइन सेपरेट करवाने की जगह को स्टूल में थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। मतलब क्या, दुश्मन कितनी जगहों में है उसको बताना होगा हमको। तो साथियों आइए, इस दुश्मन को बताने के लिए कैसे बताएंगे हम लोग, साथियों आइए मैथमेटिक्स को, भाषा को अपनी भाषा में समझते हुए काम करते हैं। और मित्रों यहाँ के बाद एक लाइन्स को आप लिखेंगे कि जब ट्रू हो जाए, ध्यान में रखना, जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा, और फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश होगा। आप लिखना हिंदी में एक लाइन, जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश करवाएंगे, और जब फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश होगा। ध्यान में रखना, जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा, पॉइंट की तरफ बारिश होगा, और फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश होगा। ध्यान में रखना, इस लाइन को लिखेंगे हम लोग, जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा, और जब फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश होगा। मित्रों ये लाइन्स आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा, आइए हम लोग इस लाइन्स को थोड़ा सा अपनी ही भाषा में समझते हैं। मित्रों आपको यहाँ के बाद थोड़ा सा ट्वेल्थ लेवल में आना होगा, और काम करना होगा कि एक पॉइंट लेना होगा, एक वैसा पॉइंट लेना होगा जो कि इस लाइन पे नहीं हो, इस लाइन पर नहीं हो, लाइन से बाहर हो या लाइन से अंदर हो, ये बात लेना होगा। तो मान के चलते हैं मित्रों हम लोग लेते हैं इस ओरिजिन पॉइंट को, मतलब जीरो जीरो को लेते हैं। आपको पता है इस केंद्र बिंदु पर जीरो जीरो बनते हैं, इस ओरिजिन पर जीरो जीरो बनते हैं, और मैंने भी ले लिया जीरो जीरो, मैंने लिख दिया एक लाइन इंग्लिश में, वी टेक ए पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिया जीरो जीरो इनिवेशन फर्स्ट। और इस पॉइंट को लेने के बाद इसको चेक करेंगे किसमें, इस रीजन में जिसमें दुश्मन छुपा हुआ है। और मित्रों दुश्मन हमारा क्या है, तो दुश्मन जब भी देखें चेक करने का होगा तो ऐसे देखेंगे, इसका मतलब साथियों दुश्मन का दरबार कहाँ खुला है या दुश्मन का दरबार कहाँ बंद है, इस पे दिमाग लगाएंगे। ध्यान रखना, दुश्मन को दरबार को खुला और दुश्मन के दरबार पे बंद पे ही केवल चेक किया जाएगा। इसका मतलब जनरल पब्लिकों के घर में चेक नहीं की जाएगी, और चेक तो वैसे लोगों को की जाएगी जो क्या हो, दुश्मन की दरबार खुला हो, दुश्मन की दरबार बंद हो। कहने का मतलब सिंपल सी लॉजिक है मित्रों कि दुश्मन या तो हो सकता है खुली दरवाजा में जा सकता है, या तो दुश्मन बंद दरवाजे में जा सकता है, इसी के घर को चेक किया जाएगा, बाकी सारे लोगों के घर को एक जनरल पब्लिक समझते हुए छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब मित्रों चेक तो उसी के घर को करेंगे जिसमें हमें शक होगा, और शक तो हमारे इस दो इक्वेशन पे होता है, इसी इक्वेशन के ऊपर और इसी इक्वेशन के ऊपर, तीसरा किसी भी इक्वेशन के ऊपर दिमाग में मत लगाना। इसका मतलब कह सकते हैं मित्रों जहां जहां मैंने एक लाइन इंग्लिश को झाड़ा है कि रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, उसी को मैंने चेक करूंगा, क्योंकि इसी पे डॉट है, यही पाकिस्तानी है। आइए मित्रों कैसे बात करेंगे, साथियों हम लोग बात करेंगे यहां से कि रीजन रिप्रेजेंटेड बाय वाला लाइंस को, तो आइए कैसे बात करेंगे। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप, हमने वो पॉइंट्स लिया जीरो जीरो, और किस वाले में डाल दिया, सॉरी यहां पर जीरो जीरो किस वाले, पहले वाला इक्वेशन, मतलब पहला वाला इक्वेशन ये हो गया x प्लस टू वाई रिटर्न इज इक्वल टू 10, और इसमें आप डाल देते हैं जीरो जीरो, मतलब x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो। जब यहां पर जीरो डालेंगे तो जीरो, और यहां पर जीरो डालेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, मतलब दो गुना जीरो, ये भी जीरो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और हमारा हो जाएगा क्या, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ध्यान में रखना मित्रों इसका मतलब हो गया, अगर आपको ये इक्वल साइन समझ में नहीं आया तो भूल जाना, और याद केवल ये रखना क्या ये भैया ये आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ये बड़ा और छोटा के सिंबल में कहता है क्या जीरो बड़ा होगा 10 से, क्या संभव है, ये तो गलत बात है। जीरो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा 10 से, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, जीरो बड़ा होगा 10 से, ये तो गलत बात है। इसका मतलब गलत को इंग्लिश में बोलते हैं FALSE, फॉल्स, और हमने लिख दिया फॉल्स। इस बार फिर से साथियों अब थोड़ा सा एक बार फिर से आइए, और हम लोग दूसरे वाले कैंपस को चेक करते हैं, दूसरे वाले दुश्मन के घर को चेक करते हैं। आइए हम दुश्मन नंबर दूसरा को चेक करते हैं, आइए मित्रों दूसरे नंबर दूसरे को चेक करेंगे। इसका मतलब क्या, वी टेक अ पॉइंट, फिर से एक पॉइंट लेंगे, जो पॉइंट कहाँ हो, ना ही इस लाइन पे हो, ना ही इस लाइन पे हो, लाइंस के बाहर या लाइंस के अंदर, हम लोग लाइंस के अंदर ही बात करेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा जीरो जीरो लेके चेक करें, क्योंकि ये जीरो जीरो एक वैसा पॉइंट होगा जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदामंद होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन आरामी से बन जाएगा। आइए तो जीरो जीरो लेते हैं इस तीसरे वाला समीकरण के अंदर, तीसरे वाला इक्वेशन, मैंने तीसरे नंबर को छाप दिया और x की वैल्यू जीरो करवा दी, और प्लस y की वैल्यू जीरो, थ्री जीरो जीरो, और ये इसमें जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, या लेस देन इक्वल टू 15 कह सकते हैं मित्रों, जीरो लेस देन इक्वल टू 15। इसका मतलब हो गया मित्रों कि क्या, अगर आपको कह रहे क्या जीरो जीरो से बड़ा है 15 या जीरो के बराबर है, ऐसा बात तो नहीं है, बराबर तो नहीं होगा, लेकिन मित्रों हटाइए, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं तो बराबर वाली साइन जहां भी आए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसे हटा देना, फिलहाल अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल ट्राई करने के लिए, चेक करने के लिए, वहां तो रहने ही देना, यहाँ नहीं तो कैसे मिटा देना, रहने देना। और साथियों
ऐसे देख रहे हैं ना कि अब जीरो कह रहा क्या 15 बड़ा है जीरो से। ये बात तो सही है कि भैया 15 क्या है बड़ा है जीरो से, 15 क्या है 15 रुपये बड़े होंगे हमारे 1 रुपये से या हमारे 0 रुपये से। समझ कह सकते हैं कि 15 बड़ा है जीरो से, इसका मतलब क्या ये सही बात है, इसलिए मैंने लिख दिया ट्रू। आपको मित्रों यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन आपने एक लाइन आपके दिमाग में अभी भी खटक रहा होगा कि भैया आपने एक लाइन जो लिखा है बारिश वाला उस पर थोड़ा चर्चा करिए ना, धीमे धीमे जो बारिश करवाएंगे उसको थोड़ा करिए। आइए मित्रों धीमे धीमे बारिश करवाते हैं आपके स्टाइल में। कैसे मित्रों, आपको मैंने बताया था जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश होगी और जब फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश होगी। अभी भी याद होगा आपको। आइए मित्रों हम ट्रू फॉल्स के माध्यम से कैसे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप पहली बार आपने फॉल्स करवाया था, इसका मतलब पहली बार किस वाले इक्वेशन को चर्चा किया था आपने, तो पहले वाला मित्रों पहला नंबर समीकरण, इसका मतलब पहला वाला ये एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 10। और आइए एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 10 मतलब क्या भैया, ये वाली लाइन पे बात करेंगे इस वाले का। और आपने पॉइंट लिया था इधर और आपको बताया था जब ट्रू होगा तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा, पहले वाला के लिए आपने लिया था 0 0 है ना, और ये पहला बन गया था फॉल्स। और कह रहा था जब ट्रू होगा तो पॉइंट की तरफ बारिश करवाना, जब फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश करवाना। इसका मतलब साथियों पहला वाला फॉल्स कर गया, ट्रू होता तो पॉइंट की तरफ बारिश करवाता, और फॉल्स हो गया मित्रों इसका मतलब पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश करवाएंगे। पेशेंस थोड़ा सा रखना होगा हमको, अभी भी आप कंफ्यूज अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं फिर से इस पॉइंट पे आऊंगा। आइए मित्रों आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी होंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, दूसरे वाला को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने दूसरे घर को चेक किया था और दूसरे घर को चेक करने के दौरान हमें मिला था ट्रू। आइए मित्रों ट्रू मिला था और तीसरा नंबर को चेक किया था और तीसरा वाला कितना 3x + y = 15। और हमारे पास जो है ये लाइन है 3x + y = 15 का, 3x + y = 15 का ये लाइन है। इसका मतलब साथियों कहे थे ट्रू होगा तो पॉइंट की तरफ बारिश करवाना और फॉल्स होगा तो पॉइंट की दूसरी तरफ। और आप देख रहे हैं ये ट्रू है, इसका मतलब क्या पॉइंट की तरफ बारिश करवाना, पॉइंट तो 0 0 इधर, इसका मतलब क्या पॉइंट की तरफ। मैं दूसरे कलर से करवा देता हूँ कि आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट की तरफ बारिश करवा देता, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगा मित्रों, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत तो अब खड़ा होता है कि जगह तो पूरा दरभंगा कवर कर दिया, लेकिन क्या दरभंगा के सभी घरों में डकैत नहीं मिल सकते हैं, सभी घरों में वैसे अपराधी नहीं मिल सकते हैं, वो उसके किसी स्पेशल जगह पर मिलेंगे। इसका मतलब हो गया कि वैसे जगह पर मिलेंगे जहां पर क्या हो कि यहां पर समझिए जहां पर दोनों का कलर मैच करता हो, और दोनों का कलर मैच करता हो आपको यहां पे नजर आ रहा हो, यहां पर क्या है ये ब्लैक का भी है और यहां पर क्या ब्लू का भी है, बाकी सारे जगहों को छोड़ दिया जाएगा केवल ब्लैक और ब्लू को। और मित्रों आप कह सकते हैं इधर भी कलर करेंगे तो थोड़ा सा फोटो गंदा हो जाएगा, इसकी वजह से केवल एक्स और वाई एक्सिस पे बात करें हम लोग, और ऐसे करके इस रीजन को हमने कलर कर रखा है। तो ध्यान में रखना कि कैसे कलर को बात करेंगे हम लोग, तो आप देख रहे हैं ऐसे करके ये वाला लाइन आ रहा है और ऐसे करके ये आ रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं ये भी नहीं होगा डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऊपर वाला ये वाला कलर, ये हमारा क्या हो गया तो रीजन बन गया। और मित्रों अब चेक करने की बात होगा, चेक हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करेंगे, इसका मतलब हम चेक करेंगे इस सारे पॉइंट्स पर, किस सारे पॉइंट्स पर करेंगे, तो जो जो पॉइंट्स कटा है इन सारे पॉइंट्स पर चेक करना होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ और कहाँ पर सबसे कम हुआ। तो आइए मित्रों हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से, आइए बारी बारी से चेक करेंगे हम इस चारों पॉइंट्स पर, चेक करवाते हैं आपको। आइए जेड की वैल्यू को चेक करेंगे एक बार 0.5 पर, एक बार 0.5 पर 10.0 पर, इसके बाद 0.15 और 5.0 पर चेक करवा के आपको दिखाएंगे। इसका मतलब कैसे भाई कैसे बात करेंगे, तो 0.5 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, और इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया x की वैल्यू 0 तो 3 × 0 + 2 × कितनी 5, और आपस में करवाएंगे 2 5 10 और इसमें 0 फिर 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्टली क्या 0 प्लस कितना 10 और आंसर कितना बन जाएगा 10, मैंने लिख दिया कितना 10 हो गया बात। आइए नीचे से बात करेंगे 10 0 मतलब कि x की वैल्यू 0 10 और y की वैल्यू 0, जब इसमें x की वैल्यू 10 डालेंगे आप 3 × 10 और प्लस क्या 2 × 0, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम खत्म कितना हो जाएगा 30। फिर से नीचे से बात करेंगे कितना 0.15 और 0.15 बात करेंगे इसका मतलब क्या 3 × 0 और प्लस कितना तो 2 × 15 और बात करेंगे 50 × 13 और ये खत्म, इसका मतलब फिर से 30। और फिर से मित्रों 5, 0 एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0 बात करेंगे आप इस इक्वेशन के अंदर, इसका मतलब क्या एक्स की वैल्यू कितना तो 0 और 3 × 5 + 2 × 0, इसका मतलब सिस्टम खत्म 3 × 5 = 15, हमारे पास 15। इसका मतलब मेरे से पहले ही पूछ रहा था कि किस पर ये मैक्सिमाइज कर जाएगा, सबसे ज्यादा किस पर हो जाएगा, मैंने लिख दिया कि सबसे ज्यादा किस पर हो जाए तो इस वाला और इस वाले पर, मतलब क्या 30 सबसे अधिक है, इसका मतलब इट इज मैक्सिमाइज या सबसे अधिक किस पर है तो दो पॉइंट्स पर, किस पॉइंट्स पर तो 0.15 पर और कहां पर 10.0 पर, ये हमारा क्या होगा जवाब हो गया। मित्रों यहां तक थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, लेकिन
अभी भी आप कंफ्यूज में नहीं होंगे, हमको इतना पता है कि आप अभी भी आप कंफ्यूज में नहीं होंगे। लेकिन मित्रों आप जरा भी टेंशन ना करें, मैं आपके साथ दूसरा क्वेश्चन को भी ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें हम लोग और डायरेक्टली हम उसी चीज को करने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है मित्रों। हमको तो केवल एक बात का ख्याल है कि दुश्मन के घर को तबाह करना है, तो मित्रों दुश्मन के घर को तबाह करना होगा। और दूसरी बात ये भी याद है कि ट्रू होगा तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा और फॉल्स होगा तो पॉइंट की दूसरी तरफ, बाकी सारा तो मैंने भूल चुका। आइए कैसे बात करेंगे हम 5 नंबर के बाद मित्रों 6 नंबर प्रॉब्लम को देखेंगे। और 6 नंबर में हमारा लिखा हुआ है z की वैल्यू z is equal to x plus 2y, और मित्रों फिर से लिखा हुआ सब्जेक्ट 2 में 2x plus y greater than equal to 3 और x plus 2y greater than equal to 6 और x comma y greater than equal to 0। मित्रों ध्यान में रखना, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बर्बाद कर दिए इसको। और आपको केवल याद रखना इस सारी चीज को, और आपको पहले से पता है कैसे सॉल्यूशन करेंगे 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का 12.1। आइए मित्रों कैसे बात करेंगे, हम लिखेंगे क्या गिवन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो ध्यान करना z is equal to x plus 2y। और मित्रों फिर से जब भी इस डकैत वाले इलाके को जब भी आप गिवन इस घेरा बंदी करेंगे, इसको मतलब रीजन, इसको इंग्लिश एक लाइन झाड़ेंगे और झाड़ेंगे क्या रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, इसका मतलब इंग्लिश झाड़ने का मतलब साथियों हम बिहार बोर्ड बच्चे जैसे बच्चे को इसको इंग्लिश को झाड़ने को ही कहा जाता है। आइए मित्रों कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आइए बात करते हैं इसको एक लाइन इंग्लिश झाड़ दीजिए, क्या झाड़ेंगे तो सभी क्वेश्चन में यही बात क्या भैया, तो रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय REPRESENTED, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, बात को तो छापेंगे हम लोग रीजन रिप्रेजेंटेड बाय क्या 2x और प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और मैंने मान लिया पहला नंबर इक्वेशन। फिर से एक बार मित्रों, फिर से एक बार इसको हम क्या करेंगे रीजन रिप्रेजेंटेड बाय मानने के बाद इसको बराबर करने का कोशिश करेंगे, मतलब क्या इसको एक लाइन इंग्लिश फिर से झाड़ेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, equating इक्वेटिंग बोथ साइड, मतलब क्या दोनों तरफ को बराबर करने पर, और दोनों तरफ बराबर कर दीजिए मतलब क्या 2x प्लस y बराबर होगा किसके 3 के, मैंने मान लिया दूसरा नंबर इक्वेशन। मित्रों यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर जाते हैं इस दूसरे वाला पर और आपका डाउट्स को क्लियर करते हैं। मित्रों फिर से अल्सो, अल्सो का मतलब इसी प्रकार से कैसे बात करेंगे तो दूसरा वाला में, और दूसरा वाला में यही बात रीजन रिप्रेजेंट, इसका मतलब इसमें भी इसके भी घर में डकैत है, ध्यान रखना ये जहां जहां देखेंगे भूल जाएंगे कि ये डकैत का घर है। और मित्रों फिर से डकैत के घर को घेराबंदी करेंगे, मतलब क्या रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान में रखना रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, और मित्रों रीजन रिप्रेजेंटेड बाय के बाद फिर से इस लाइन को छापना x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और मैंने मान लिया इसका 1 2 3। और आइए साथियों आगे बात करते हैं, लोग यहाँ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एक लाइन बढ़ा होगा इसके घर को घेरा बंदी कर लिए और बराबर करके दिखाते हैं, इसका मतलब क्या इक्वेटिंग बोथ साइड, equating इक्वेटिंग बोथ साइड, मतलब क्या दोनों तरफ से बराबर करने पर। और मित्रों दोनों तरफ से आप जब बराबर करेंगे इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 2y स्कल्टिव 6, और इसको मैंने मान लिया 1 4, मतलब क्या चौथा नंबर इक्वेशन। आइए मित्रों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है अब आइए अब लिखते हैं मित्रों थोड़ा सा एक लाइन, थोड़ा सा अगर आप हमको अनुमति दे तो मैं यहाँ पर ही x और y की वैल्यू जीरो कर ले तो थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाता, तो थोड़ा सा एक मिनट का पेशेंस रखते हुए थोड़ा सा काम करते हैं। आइए मित्रों थोड़ा सा यहाँ पर ही काम कर लेते हैं, इसका मतलब क्या भैया जब x की वैल्यू को आप जीरो किए होंगे इस इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आप जीरो की होइएगा तो 2 × 0 प्लस वाई इज टू 3, इसका मतलब ये खत्म हो गया और y की वैल्यू कितनी 3, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और भैया जब एक बार y की वैल्यू आप जीरो की होइएगा तो x की वैल्यू कितना 3/2, ध्यान में रखना तो आपका x की वैल्यू कितना 3/2, इसका मतलब हो गया साथियों 3/2, तो इसका मतलब हो गया 2 से भाग दे दिए 2 1 जा, इसका मतलब कितना 2 1.0, और 2 5 जा इसका मतलब कितना 1.5, यहाँ तक तकलीफ नहीं हुआ होगा। आइए थोड़ा सा फिर से एक बार बात करेंगे हम लोग दूसरे वाला का, और दूसरे वाला मित्रों लिखा हुआ था हमारे पास 6 नंबर प्रॉब्लम में, दूसरे वाला में लिखा हुआ था कि हमारा था x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यही बात लिखा हुआ था, तो इसको कैसे बात करें हम लोग, इसको हम फिर से लिखेंगे वही बात रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, रीजन रिप्रेजेंटेड REPRESENTED रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, और मित्रों फिर से छापेंगे इस डकैत के घर को x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर समीकरण। और फिर से मित्रों इसको इक्वेटिंग करवाना पड़ेगा, बराबर करवाना पड़ेगा, तो कैसे काम करेंगे लिखेंगे फिर से एक लाइन फिर से इंग्लिश झाड़ेंगे, मतलब क्या इक्वेटिंग बोथ साइड, equating बोथ साइड्स, मतलब क्या
दोनों तरफ से बराबर करने पर, और मित्रों दोनों तरफ से बराबर करवा लीजिए आप एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर टू सिक्स। और मित्रों फिर से एक बार बराबर करवाने के बाद इसको फिर से मान लेते हैं तीसरे के बाद कितना अच्छा था, यहाँ तक तकलीफ नहीं हुआ। आइए मित्रों थोड़ा सा मस्ती के साथ काम करेंगे हम लोग। अब मित्रों यहाँ के बाद फिर से आप एक बार x को जीरो करवा दो, x स्क्वायर टू जीरो। जब x को जीरो करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और टू उधर चला जाएगा, तो टू थ्री जा सिक्स, मतलब क्या y की वैल्यू थ्री। और फिर से मित्रों एक बार y को जीरो करवाएंगे तो पूरा सिस्टम खत्म और x की वैल्यू कितनी है सिक्स। यहाँ तक आपको तकलीफ नहीं होगा मित्रों, यहाँ तक हम भी जानते और आप भी जानते हैं, यहाँ के बाद ही आपको तकलीफ हुआ होगा, हमको अच्छे से पता है। लेकिन हमको तो केवल एक ही बात का जानकारी है, जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा और फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश होगा। इतना बात हमको भी पता और आपको भी पता है। आइए मित्रों कैसे बात करते हैं हम लोग, इसको चेक करने जाएंगे, इसका मतलब कैसे करेंगे काम। पहले सबसे बड़े यहाँ करने के बाद आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ करने के बाद थोड़ा सा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा एक सांस ले लेना। कैसे सांस लेंगे भैया, तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जैसे घर बनाकर हम लोग सांस लेंगे। और मित्रों थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसका जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये एक्स और वाई के जो डाटा लिखा हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू थ्री, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1.5 और वाई की वैल्यू जीरो, और फिगर जो बनता है हमारा एक्स की वैल्यू जीरो कॉमा वाई की वैल्यू थ्री, और यहाँ पर क्या मित्रों एक्स की वैल्यू सिक्स कॉमा जीरो। तो थोड़ा सा देख लेना सबसे ज्यादा कितना, तो सबसे ज्यादा 3, 1.5, 3, 6, इसका मतलब सबसे ज्यादा 6, इसका मतलब कितना कितने का गैप लें, तो 1 का भी गैप लेंगे तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए थोड़ा सा बात करते ऊपर से भी, इसका मतलब क्या भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आपके साथ में बने हुए हैं। फिर से एक बार 3, 2, 1, आइए बात करवाते हैं हम लोग। यहाँ की तक प्रॉब्लम नहीं है आपको, और यहाँ के बाद क्या करेंगे मित्रों, एक पॉइंट लेना पड़ेगा। पहले तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करवाएंगे, 0, 3 मतलब क्या है 0, 3, और आपको पता है 0 हमारा दुश्मन, दुश्मन के घर को तबाह करेंगे और दोस्त के घर पहुँचेंगे। हमें पता है कि x हमेशा पहले और y हमेशा बाद में, इसका मतलब x, y में दुश्मन के घर को तबाह करेंगे, दोस्त के घर पर पहुँचेंगे, इसका मतलब दोस्त हमारा y और y पे पहुँच जाना, इसका मतलब क्या मित्रों y हमारा 3 और 3 यहाँ मतलब क्या 0, 3। आना मित्रों फिर से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। इसके बाद इसको 1.5, 0, यहीं पर बच्चा कन्फ्यूज कर गया होगा कि भैया आप तो फंस गए हम लोग कि अब 1.5 में कैसे होगा काम। अब मित्रों 1.5 का मतलब एक और आधा, इसका मतलब एक और दो यहाँ पर है, तो एक लिए भैया और यहाँ के यहाँ जो गैपिंग बनती है, यहाँ से यहाँ एक हुआ, यहाँ से यहाँ दो हुआ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो एक बना ये दो बना ये जीरो था, इसका मतलब इसका आधा तो कर दो, एक के बाद आधा कर दो, इसका मतलब लगभग में यहाँ लीजिए, इसका मतलब मित्रों 1.5 का मतलब एक तो यहाँ 0.5 यहाँ, इसका मतलब आधा यहाँ हो गया। और साथ ही कहता है 1.50, और इसके पहले तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दोस्त और दुश्मन को भी पहचानना पड़ेगा। इसका मतलब मित्रों दुश्मन के घर को तबाह करेंगे, जब भी जीरो देखेंगे दुश्मन समझ को तबाह करेंगे, और मित्रों इसको तबाह करेंगे मतलब दोस्त के घर पर पहुंचना पड़ेगा, इसका मतलब हमको एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा और 1.5 लेना पड़ेगा यहाँ पर, इसका मतलब कितना 1.5, 0, यहाँ तक तकलीफ नहीं होगा। और मित्रों यहाँ के बाद हम लोग फिर वही दसवीं वाली स्टाइल भी खींच देंगे इस ग्राफ को, इसका मतलब दोनों को सटाएंगे और दोनों को सटाएंगे के बाद ऐसे करके ड्रॉ करवाएंगे, ऐसे करके ड्रॉ करवाएंगे मित्रों, कोई तकलीफ नहीं होगा यहाँ तक आपको। आइए फिर से एक बार बात करते हैं। लेकिन मित्रों ये करने के बाद इस जगह को लिखना भी पड़ेगा कि किस जगह को आपने सील पैक किया है, आपने किस जगह को सील पैक किया भैया, तो इस जगह को सील पैक किया जिसमें इक्वेशन नंबर दूसरा था 2x + y = 3, मतलब क्या 2x + y = 3 हो गया मित्रों। आइए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस को वीडियो को खींचने के लिए थोड़ा देखते रहिए। हमको पता है आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सोच रहे हैं वीडियो को काट देते हैं मूड ऑफ हो गया, लेकिन मित्रों क्या करें 5 मार्क्स की क्वेश्चन है और हमें 5 मार्क्स प्राप्त ही करना है, हर हालत में प्राप्त करना है, अच्छे मार्क्स से प्राप्त करना है और अच्छे नंबर लाना है, माँ बाप के नाम को रोशन करना है जैसे भी हो, क्योंकि ये 12th हमारे लिए बहुत अहम भूमिका रखेंगी हमारे लिए। तो आइए कैसे बात करेंगे हम लोग, फिर से दूसरा नंबर को खींचेंगे 0, 3 और हम देख रहे हैं 0, 3, और आपको पता है दोस्त के घर जाएंगे दुश्मन के घर को तबाह करेंगे, मतलब क्या दुश्मन के घर को तबाह करेंगे दोस्त के घर पहुंचेंगे, और हमको पता है ये वाली पहला x और दूसरा वाई, इसका मतलब दोस्त हमारा कहाँ यहाँ पर है 3 किलोमीटर दूर और 3 किलोमीटर दूर यहाँ, इसका मतलब क्या मित्रों 0, 3 क्या दूसरा बार दिखाना पड़ेगा, नहीं क्योंकि आपको पहले से पता है 0.3 पहले से अवेलेबल है, इसका मतलब रहने दो हो गया वो पॉइंट्स। इसके बाद मित्रों बात करेंगे हम लोग 6, 0 और फिर से एक बार 6, 0 आपकी सेवा में। और मित्रों आपको पता है जब भी दुश्मन मिल जाए उसको तबाह कर दिया जाएगा और दोस्त के घर पहुंचा जाएगा, इसका मतलब क्या ये x और ये y, इसका मतलब क्या इस दोस्त के घर पहुंचा जाएगा और x एक्सिस पर 6 पर जाएंगे और यहाँ पर क्या मित्रों 6, 0। आना साथियों ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ तक आपको तकलीफ नहीं होगा और यहाँ के बाद मित्रों थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग।
फिर से इस दोनों पॉइंट्स को मैच करवाएंगे, मिलाएंगे। तो कैसे बात करेंगे हम लोग, आइए हो गया बात। थोड़ा सा मित्रों सॉरी, आपको हम माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि मेरा जो लाइन है ये स्टेट बिल्कुल ज्यादा नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूंगा। बल्कि आप स्टेट करना, बिल्कुल ज्यादा ऐसे नहीं करना, स्केल के माध्यम से करना और पेंसिल के माध्यम से करना, जो कि गलत होने पर भी हम लोग मिटा सके। यहां तक मित्रों प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अब खड़ा होता भैया कि आपने जो एक लाइन को लिखाया था कि ट्रू हो जाए तो किधर बात करवाएंगे, तो ट्रू हो जाए टी आर यू ई हो जाए, मतलब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश करवा देना और पॉइंट की तरफ करवा देना, अगर फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की किधर, फॉल्स हो जाए मित्रों एफ ए एल एस ई हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश हो जाएगा दूसरी तरफ। इस लाइन को अब मित्रों यूज होगा कि ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ और फॉल्स हो जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ, ये कैसे बात होगा। तो ये ट्रू और फॉल्स की चेक करते हैं, और पहले वाले को आपने चेक किया था, आप एक मिनट चेक तो किया ही नहीं, अब चेक होगा। आइए मित्रों एक पॉइंट्स लेना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट्स लेकर इसको चेक करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा पहले चेक करवाते हैं, यहां तक तो मैंने पूरा काम कर लिया, थोड़ा सा चेक करवाते हैं आपको, लिखेंगे फिर से एक लाइन इंग्लिश झाड़ेंगे है ना, कि वी टेक अ पॉइंट्स, वी टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट लिए है ना, और मित्रों एक वैसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि इस दोनों लाइंस के या तो इधर हो या दोनों लाइंस के इधर हो, मतलब क्या, या तो इधर इलाके वाला में हो इधर, लेकिन पॉइंट पे या नहीं होना चाहिए, जहाँ कट किए हैं आपने, जहाँ पे आपका मैच किया इस ग्राफ के ऊपर वहाँ नहीं होना चाहिए, या तो इस दोनों लाइंस के नीचे होना चाहिए या दोनों लाइंस के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ले लेते हैं भैया जीरो 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 लेंगे, जो कि क्या होगा दोनों लाइंस के नीचे में, इसका मतलब टेक अ पॉइंट कितना जीरो कॉमा जीरो, और किस में डालना होगा तब का पता है, चेक किसका होगा तो उसके घर का होगा, जिसका गेट क्या होगा खुला होगा और जिसका गेट क्या होगा बंद होगा, मतलब क्या दुश्मन दो ही हो सकता है, या तो खुले मैदान में होगा या बंद घर के अंदर होगा, इसका मतलब दो तरह की बात होगा मित्रों, हमको चेक तो करना होगा इस दुश्मन के घर को पहले। आइए मित्रों किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन क्या जीरो जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, आना थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन में डाल के आपको दिखाते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मित्रों पहले वाले में डाल के आपको दिखाते हैं, पहले वाले में कितना टू एक्स प्लस कितना वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये पहला नंबर इक्वेशन है, और मित्रों इसमें आप डालने जा रहे हैं जीरो जीरो, मतलब क्या टू इंटू जीरो प्लस क्या वाई, और वाई की वैल्यू कितना तो जीरो, और कितना ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इसका मतलब क्या टू जीरो जीरो और जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इसका मतलब कहता है कि जीरो जो है बड़ा होगा थ्री से, क्या ये संभव है, ऐसा संभव ही नहीं है, जीरो बड़ा हमेशा ऐसा नहीं होगा संभव, हमको तो पता है भैया तीन रुपया बड़ा होगा है ना, और जीरो रुपया मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं, इसका मतलब छोटा, ये बात होगा, ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है, इसका मतलब क्या होगा, ये बात जो है फॉल्स है, आपको पता है ना कि थ्री बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब बड़ा वाला चिन्ह इधर और इधर होना चाहिए, ये तो उल्टा बात कर रहा है, ये जो सिंबल है ना इसके इधर डाल देता है इस थ्री को और इधर कह रहा है जीरो को, ये गलत बात बोल रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि जीरो बड़ा होगा थ्री से, ये गलत बात है, इसलिए मित्रों हम गलत को इंग्लिश में लिखते हैं फॉल्स एफ ए एल एस सी, हमने लिख दिया फॉल्स, हो गया बात। और आपको पता है कि जब फॉल्स बन जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश करवा देना। तो मित्रों आपने इस लाइंस के लिए, किस लाइंस के लिए, तो इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर पहला यहाँ पर एक्स टू एक्स प्लस वाई और टू एक्स प्लस वाई कहाँ, ये वाला लाइन टू एक्स प्लस वाई के लिए है ना, आपने पॉइंट दिया था जीरो जीरो यहाँ पर, तो कहता क्या जब ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश करवाना, समझना ये ट्रू क्या था, ये तो हमारा फॉल्स बन गया, इसका मतलब क्या जो ट्रू हो जाए तो पॉइंट की तरफ बारिश करवाएंगे और फॉल्स होता पॉइंट की दूसरी, इसका मतलब भैया इधर लिए थे जीरो जीरो यहाँ ओरिजिन था जीरो जीरो, लेकिन ये फॉल्स बन गया तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश करवाना होगा, मतलब क्या पॉइंट की दूसरी इधर पॉइंट की अपोजिट साइड में, थोड़ा सा पेशेंस रखना घबराना नहीं, आना थोड़ा सा कंप्यूटर से दिखा दे, ये जो दूसरा मैंने लिया है मित्रों, दूसरा आपने कहाँ से लिया है, तो दूसरा वाला का जो है हमारा ये है एक्स प्लस टू वाई वाला है ना, क्योंकि जीरो थ्री और सिक्स जीरो, और आप भी देख रहे हैं जीरो थ्री है ना और सिक्स जीरो, इसका मतलब कौन सा समीकरण एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, आना मित्रों थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, फिर से एक बार चेक करेंगे, ये तो भैया फॉल्स था, और दूसरे वाला को चेक करके बताओ, और दूसरे वाला को चेक करके थोड़ा सा हम आपको इधर से बताते हैं, आना थोड़ा सा इधर से बताते हैं हम लोग, दूसरे वाला को चेक करके रहने देते थोड़ा सा, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आइए फिर से लिखेंगे एक लाइन इंग्लिश झाड़ेंगे है ना, और आपको पता है कि पहला वाला फॉल्स कर गया उधर कर लिए, और फिर से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, वी टेक अ पॉइंट्स तो जीरो जीरो, और किस वाले दुश्मन के घर में घुसेंगे इस बार मित्रों, तो दूसरा वाला नंबर किस में, जिसका घर खुला हो या जिसका घर बंद हो वो हमारा दुश्मन है, इसको मैंने चेक कर लिया, और इसका मतलब कह सकते हैं कि हमको फिर से एक बार इस वाले दुश्मन के घर में घुसना, इसका मतलब इक्वेशन नंबर तीसरा और वन टू थ्री, और मित्रों आपको पता है या तो दोनों लाइंस के नीचे या दोनों लाइंस के ऊपर लीजिए, फिर से मैं इस दोनों लाइंस के नीचे ही जीरो जीरो ही ले रहा हूँ, और आप भी कोशिश करना जब भी ग्राफ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना तो पॉइंट को चेक करने के लिए जीरो जीरो ही लेना, क्योंकि जीरो जीरो जब भी आप लेंगे जिससे क्या होगा आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ज्यादा आसानी हो जाएगा। आइए मित्रों जीरो जीरो तीसरे नंबर में चेक करते हैं आपके साथ, कैसे एक्स प्लस टू वाई हमारे पास हो गया कितना एक्स प्लस
2y > 6 और इसमें डालते हैं हम लोग 0 0, मतलब x की वैल्यू 0 प्लस कितना 2 * 0 > 6, इसका मतलब मित्रों क्या, ये कुल मिलाकर हमारा कितना 0 और 0 बड़ा होगा और बराबर होगा 6 से, ये कभी भी संभव नहीं है। आपको भी पता है 6 बड़ा होगा 0 छोटा होगा, लेकिन ये उल्टा बात कर रहा है, ये गलत बात कर रहा है कि 0 बड़ा होगा 6 से, ये तो गलत बात है। इसका मतलब क्या भैया, ये हमारा क्या बन गया, फॉल्स बन गया, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ये गलत बात है। आइए मित्रों फिर से एक बार इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। आपको पता है ट्रू होगा तो पॉइंट की तरफ बारिश होगा और फॉल्स होगा तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश। इसका मतलब हो गया कि क्या हुआ, यहाँ फॉल्स हो रहा है, क्यों भैया, कि यहाँ 0 0 इधर था, है ना, और आप कह रहे हैं क्या कि ये फॉल्स हो रहा। फॉल्स क्यों, कि फॉल्स तो यहाँ पर ही दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, कि कह रहा है क्या 6 को कह रहा है क्या छोटा है तुम मेरे से, हाँ 0 कह रहा है क्या तुम मेरे से छोटा है, ये तो गलत बात है ना। ये 6 तो ऑलरेडी एक शेर है और 0 क्या है, एक सीआर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब भी फॉल्स बन जाए तो पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश करवाएंगे, और भैया 0 0 यहाँ और पॉइंट की दूसरी तरफ बारिश उधर बारिश करवा दो, इसका मतलब दूसरे कलर से करवा दो बारिश आपको। आइए थोड़ा सा दूसरे कलर से बारिश करवाएंगे और दूसरे कलर से बारिश, ऐसे करके हो गया, आना थोड़ा सा हो गया बात। इसका मतलब कह सकते हैं मित्रों कि ये जो कलरफुल रीजन बनेंगे ना, कलरफुल रीजन मतलब क्या, दोनों पानी जो है बरसात का जो दोनों पानी है कहाँ कहाँ मिक्स करा उसको ज्यादा कलरफुल, इसका मतलब कह सकते हैं भैया यहाँ के बाद ना कि दोनों का लाइन मैच कर रहा है, दोनों की जो है ना दोनों बारिश की बूंदे आ रही है। इसका मतलब इस वाले क्षेत्र को थोड़ा सा ज्यादा रंगीन करवा दो, आप इस वाले क्षेत्र को क्या करवा दो, ज्यादा रंगीन करवा दो, और ज्यादा रंगीन करवाने के बाद फिर से एक बार चेक करवा दो इसको, है ना, चेक कहाँ करवाएंगे, तो आइए मित्रों फिर से इसको चेक करते हैं। जेड के किस पॉइंट पर ये सबसे ज्यादा है और सबसे कम है, तो जेड के पॉइंट्स को चेक करवाते हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा जेड के पॉइंट्स को चेक करवाते हैं, है ना, तो लिखते हैं क्या नाउ, अब जेड का वैल्यू डाल दीजिए, तो जेड इज इक्वल टू मित्रों जेड की वैल्यू कितना एक्स प्लस कितना 2y, और चेक करवा देना, है ना। ज्यादातर प्रॉब्लम है मित्रों जहां पर दो कलरफुल रीजन बनेंगे उसी पॉइंट को चेक किया जाता है, आप चारों को भी चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए कैसे चेक करवाते हैं, तो हम लोग चेक करवाएंगे मित्रों यहां पर 031 पॉइंट को, इसका मतलब क्या, आप एक बार चेक करेंगे एट 0.3 पे चेक करवाएंगे मित्रों, और जेड की जो वैल्यू बन जाएगी 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, 0.2 * 3 और हमारे पास बन जाएगा 6। फिर से आप बात करेंगे किस पर, तो आप बात करेंगे 1.5, 0, जो कि मित्रों आप नहीं भी ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस रीजन में नहीं है। ध्यान में रखना जो भी कलरफुल रीजन बनेंगे मतलब दुश्मन के इलाके को ही हमेशा चेक किया जाता है, इसका मतलब आप नहीं भी लेंगे इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लेते भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए आप देख सकते हैं कितना, तो आप 1.5 और 0 पे चेक करेंगे, वैसे भी छोटा वैल्यू है तो छोटा वैल्यू ही आएगा। आइए थोड़ा सा चेक करके दिखाते हैं, 1.5, 0 मतलब x की वैल्यू कितना, z इज इक्वल टू कितना 1.5 और प्लस 2 * 0, और हमारे पास फिर से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, 1.5 होगा। आइए मित्रों फिर से चेक करवाते हैं आपको, ये दोनों को चेक करवा लीजिए, दोनों को चेक करवाएंगे 0.3 पर, और आप 0.3 पर चेक कर चुके हैं, इसका मतलब क्या दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर से चेक करवाइए 6.0 पर, इसका मतलब क्या मित्रों x = 6, 0, और इस पर जेड की जो वैल्यू होगी x की वैल्यू 6 और कितना y की वैल्यू 2 * y की वैल्यू कितना 0, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों पर मैक्सिमम और ये मिनिमम, और क्वेश्चन में कह रहा था हमको मिनिमम किस पर है, है ना, क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम किस पर है ये हमको बता दीजिए, और हम कहेंगे क्या मिनिमम किस पर है 1.5, 0, लेकिन क्या इट इज मिनिमम min ऊपर में m मिनिमम एट किस पॉइंट पर, तो 1.5, 0, और कितना बनता भैया इसका जो आंसर बनता है जेड का हमारा कितना बनता है 1.5 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको मित्रों, मैं आशा नहीं पूरा भरोसा करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया हो मित्रों, अगर आप जरा सा भी अगर आपको इसमें तकलीफ हुआ होगा तो मित्रों जरूर आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि कहाँ पे आखिर प्रॉब्लम रह गई कि आप हमें हमारे से इतना कोशिश करने के बाद आप हम नहीं समझ पाए। मित्रों अगर आपको अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जैसे और हम जैसे गरीब परिवार के बच्चों को जरूर आगे बढ़ने में अपना कॉपरेट करें, अपना मदद दें, और आपका ही मदद, आपका ही लाइक और सब्सक्राइब हम जैसे छोटे छोटे स्टूडेंटों को छोटे छोटे जो टीचिंग करने का कोशिश करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम जैसे एक स्टूडेंट ही नीचे से उठकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ये स्टूडेंट जरूर इंडिया को बदलने में काम कर सकें, और आपके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं स्पेशल रूप में जो गांव से रहने वाले बच्चे हैं उसको जरूर इस वीडियोस के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर हम जैसे लोग जरूर उसको कॉपरेट कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।